नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ दो स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जिनके नंबर्स आते हुए दिखे हैं, क्वार्टर थ्री की अर्निंग्स आती हुई दिखी हैं और नंबर्स आए हैं तूफानी, शानदार, बेहतरीन, आप कुछ भी कह सकते हैं। और इन स्टॉक्स में बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। हालांकि एक स्टॉक तो ओपन मार्केट में ही एट द एंड नंबर पेश करते हुए दिखा था और उन नंबर्स के बाद स्टॉक में आपको लगभग 3-4% की तेजी भी देखने को मिली है। कि यहां से भी लेने का मौका है या फिर नहीं है, इसी के बारे में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। या सबसे पहले आपको बता दूं, निफ्टी से एक्सिस बैंक के नंबर्स का आप सभी को वेट होगा, तो वो आ चुके हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले किसी स्टॉक के बारे में बताना चाहता हूं जिसके नंबर्स बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहे हैं मुझे हर एक पैमाने पे, हर एक पॉइंट पे। स्टॉक का नाम है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज। इस स्टॉक में लगभग 4% की तेजी देखी आपने नंबर्स के बाद। नंबर्स अराउंड 3 बजे के समथिंग आए और स्टॉक में बढ़िया तेजी भी देखने को मिली आपको। स्टॉक की बात करें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आपका 48 करोड़ से बढ़कर 92 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। काफी शानदार जंप दिख रहा है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 72 करोड़ के सामने 92 करोड़ का प्रॉफिट है। तो हर एक पैमाने पे तगड़े नंबर्स दिख रहे हैं प्रॉफिट के मामले में। तो रेवेन्यू की बात करें तो 200 करोड़ से 279 करोड़ पे रेवेन्यू आता हुआ दिखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 240 करोड़ से बढ़कर अराउंड 279 करोड़ पे आया। तो यहां पे भी एक शानदार और तंगड़ा जंप देखने को मिल रहा है आपको। एबिटा रुपीज यानी कामकाजी मुनाफे की बात करें तो लगभग 68 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़ पे आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एबिटा मार्जिन की बात करें तो 34.27% से बढ़कर 50.59% आया। तो ये हर एक पैमाने पे बीट है एक्सपेक्टेशंस को और हर एक पैमाने पे अच्छे नंबर्स लगेंगे आपको। और इस शेयर ने धमाका कर दिया अपने रिजल्ट्स के बाद, लगभग 4% की तूफानी तेजी। अब इस स्टॉक का भाव थोड़ा सा चेक कर लेते हैं और बात करते हैं कि क्या यहां से और तेजी बन सकती है इस स्टॉक में, क्या यहां से भी खरीदने के मौके हैं या फिर अभी थोड़ा सा देर हो गई है। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक लगभग 2 साल के हाईस पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई 1475 का है, 52 वीक लो 1000 रुपीस का है। स्टॉक मल्टी पे अगर रहा है, अगर 2 साल की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने 622% के रिटर्न दिए, लेकिन 2022 में पूरी साल साइडवेज टू कंसोलिडेशन में निकल गया। क्या अब दोबारा से चलना शुरू होगा ये शेयर, इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए 15 के पीई पे अभी भी ट्रेड करता है, तो इसका एक बार पीयर कंपैरिजन करेंगे तो ज्यादा बेटर हमें समझ में आएगा कि पीयर कंपैरिजन क्या महंगा तो नहीं है। देखिए मैं आपको खोल के देखता हूं यहाँ पे शेयर इंडिया सिक्योरिटीज देखें तो इसके सामने ऑलमोस्ट सब इससे महंगे ही ट्रेड कर रहे हैं। सस्ता है स्टॉक 15 के पीई पे अभी, तो इस स्टॉक पे जरूर आप नजर बना के रखना। अब आते हैं सेकेंड स्टॉक एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की बात करें तो यहां एक प्रॉब्लम दिख रही है, अदरवाइज बहुत अच्छे नंबर्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी ने 5853 यानी 5853 करोड़ पे पोस्ट करा है। मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरीके से बीट करा है। एक्सपेक्टेशंस अराउंड 5472 करोड़ की थी जिसके सामने प्रॉपर बीट है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 3614 करोड़ से बढ़कर 5853 करोड़ पे प्रॉफिट आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5330 करोड़ से बढ़कर 5853 करोड़ पे प्रॉफिट आता हुआ दिखा है। बैंक के ब्याज की बात करें कि ब्याज कितना कमाया है बैंक ने, तो लगभग 17200 करोड़ से बढ़कर 22200 करोड़ पे ब्याज आती हुई दिखी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20240 करोड़ से बढ़कर 22200 करोड़ पे आती हुई दिखी है ब्याज अभी। तो इंटरेस्ट भी बैंक अच्छा खासा कमाती हुई दिख रही है, अच्छी दिख रही है। एनएनपीए की बात करें तो 0.51% से घटकर 0.47% पे आई है। एंड जीएनपीए की बात करें तो 2.50 से घटकर 2.38% पे आते हुए दिखे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो हर एक पैमाने पे अच्छे दिख रहे हैं नंबर्स, बट प्रोविजंस डबल से भी ज्यादा बढ़ते हुए दिखे हैं और ये एक नेगेटिव पॉइंट है, अदरवाइज सुपर नंबर है। अगर प्रोविजंस की बात करें तो 550 करोड़ से बढ़कर 1437 करोड़ पे बढ़ते हुए दिखे हैं आपको। हालांकि प्रोविजंस आपको आईसीआईसीआई बैंक के भी बढ़ते हुए दिखे थे, बट इतने नहीं जितने एक्सिस बैंक के बढ़ गए हैं। तो ये एक चिंता का विषय है,
अदरवाइज नंबर इस बैंक के इस स्टॉक के भी शानदार आते हुए दिखे। जरा स्टॉक को प्राइस के हिसाब से चेक कर लेते हैं कि कैसा रह सकता है कल प्राइस बिहेवियर। तो एक्सिस बैंक का स्टॉक मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, चेक करते हैं स्टॉक के प्राइस के बारे में थोड़ा सा। जी हाँ, एक्सिस बैंक मैं ओपन करता हूँ, 932 रुपीज के लेवल्स पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, साइडवेज हो रखा है स्टॉक, ज्यादा कुछ खास दिख नहीं रहा है चार्ट पैटर्न में। स्टॉक में एक सपोर्ट के रूप में मेरे हिसाब से जो लेवल है 922-925 के समथिंग का यही होगा, एंड ऊपर में स्टॉक अगर 938-940 ब्रेक करता है जो कि कहीं ना कहीं अभी पिछले कुछ दिनों का हाई है, तो स्टॉक अपने फ्रेश हाईस की तरफ जाएगा जो कि 970 की तरफ के हैं। ओवरऑल स्टॉक में ज्यादा कुछ खास नहीं दिखता है, बट नंबर्स आप मिक्स कह सकते हैं। प्रोविजंस अगर थोड़े ठीक होते ना तो ये नंबर के दम पे स्टॉक 3-5% की रैली दे सकता था। तो ये तो स्टॉक्स, होप आपको वीडियो समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।